नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया, कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। दोस्तों, संक्रांति आने के थोड़े दिन पहले से ही हम सभी में उसका क्रेज शुरू हो जाता है। जानेंगे मगर संक्रांति पर क्या महत्व है दान का और साथ ही कैसे बदल रही है आपके ग्रहों की दिशा आज से, हमारा इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति आ गई है और आप लोग यकीनन तिल के लड्डू के साथ पतंगबाजी का मजा भी ले रहे होंगे। इस दिन जरूरी है दान भी। दोस्तों, क्यों जरूरी है दान, इस राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है सूर्य आज से, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मकर संक्रांति के बारे में क्या विशेष है। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, भगवान सूर्य का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। तो मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि इस नए वर्ष सन 2015 में आपको नौकरी में पदोन्नति मिले? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष 2015 में व्यापार में आपको सफलता मिले? क्या आप चाहते हैं कि सन 2015 में आपको पूर्ण संतान सुख प्राप्त हो, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त हो? क्या आप सिर से संबंधित, न्यूरो से संबंधित बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नए वर्ष में आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य यश वैभव कीर्ति इत्यादि बनी रहे? यदि हाँ, तो मित्रों 15 जनवरी सन 2015 को भगवान सूर्य की आराधना, तीर्थ स्नान, दान कर्म आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, आपके सभी शारीरिक कष्टों को दूर करने वाला है। मित्रों, जिस प्रकार तिल और गुड़ के मिलने से मीठे मीठे लड्डू बनते हैं, उसी प्रकार विविध रंगों के साथ में जिंदगी में भी खुशियों की मिठास बनी रहे, जीवन में नित नई ऊर्जा का संचार हो और पतंग की तरह ही आप सभी सफलता के शिखर तक पहुँचे, ऐसी ही कुछ शुभकामनाओं के साथ सन 2015 का प्रथम पर्व यानी सूर्य पर्व, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, 15 जनवरी सन 2015 को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। मित्रों, भगवान सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया। सूर्य के बिना सृष्टि में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जो पृथ्वीवासी हैं उनके लिए सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है जो सामने दिखते हैं हमको। इसलिए सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं वो किसी न किसी रूप में भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर और कुंभ राशि जो है वो सूर्य पुत्र जो है शनि की है। मकर में सूर्य के प्रवेश और 2 माह तक शनि की राशियों में रहने से पिता पुत्र में बैर भाव की स्थिति से आमजन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव ना पड़े, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ स्नान, दान और धार्मिक कर्मकांड के विभिन्न उपायों का वर्णन किया है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के घर पे जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का जो स्वामी है वो भगवान शनि स्वयं है। हालांकि ज्योतिष दृष्टि से जो है सूर्य और शनि का जो तालमेल है वह संभव नहीं है, लेकिन चूंकि इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर पे जाते हैं, इसलिए पुराणों में यह जो दिन है वो पिता पुत्र के संबंधों में एक निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। भगवान सूर्य जो हैं राज सम्मान और पिता का कारक ग्रह है और भगवान जो शनि हैं वो न्याय के देवता हैं, प्रजा के देवता हैं। जन्म पत्रिका में सूर्य शनि की यदि युति बनी हुई हो अथवा दृष्टि संबंध से ही पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। लकवा, पैरालिसिस और न्यूरोलॉजी, सिरदर्द रोगों से पीड़ित लोगों को, जो भी हमारे कोई दर्शक ऐसे हैं जो कि पैरालिसिस से पीड़ित हैं या न्यूरो से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस दिन उनको दान पुण्य यदि वो करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको एक वरदान स्वरूप नया जीवन मिलता है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व माना जाता है, साल की शुरुआत में ही पड़ता है। इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के रूप में भी हम जानते हैं,
देश के विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति जो पर्व है उसको अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, असम में इससे माघ बिहू और भोगल बिहू के नाम से पुकारा जाता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में इसको हम मकर संक्रांति को लोरी पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस पर्व को दान पर्व और खिचड़ी पर्व के तौर पर मनाया जाता है। बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति एवं खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। हमारे राजस्थान में तो मित्र आपको पता ही है कि कितनी पतंगबाजी होती है। तो ये एक मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, साल का प्रथम त्यौहार, तो ये आपके जीवन में बहुत सारे पूरे साल भर पूरे वर्ष भर परिवर्तन ला सकता है यदि आप दान करें। जी पंडित जी, हम दान की बात कर रहे हैं तो क्या शुभ मुहूर्त है इस बार दान करने का, वो आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति कब शुरू हो रही है। तो दिनांक 14 जनवरी सन 2015 माघ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार के दिन जो आने वाला बुधवार है उसको शाम को 7 बजकर 28 मिनट पर भगवान सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मकर संक्रांति लग जाएगी। और इसका जो पुण्य काल है वो बुधवार को मध्यान्ह यानी दोपहर 1 बजकर 4 मिनट से शुरू होके अगले दिन गुरुवार यानी दिनांक 15 जनवरी 2015 को पूर्वान 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। चूंकि इस बार जो संक्रांति काल है वो रात्रि काल के अंदर आ रहा है, इसलिए 14 जनवरी का कोई विशेष महत्व नहीं है। विशेष पुण्य काल जो है वो 15 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा एवं सामान्य जो पुण्य काल है वो सूर्यास्त तक रहेगा। और उदय काल में संक्रांति का पुण्य काल श्रेष्ठ माना गया है। शाम को संक्रांति लग रही, अगले दिन 15 को जब उदय काल होगा तो उस संक्रांति में जो पुण्य काल है उसको श्रेष्ठ माना गया और इसी दिन दान पुण्य का महत्व माना गया। इसलिए मित्रों 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 15 जनवरी को ही आपको तीर्थ स्नान करना है और उसके साथ साथ में दान पुण्य करनी है। जी पंडित जी, दान पुण्य की बात हमने की है तो इस बार मकर संक्रांति क्या प्रभाव डालने वाली है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस बार मकर संक्रांति का रूप क्या है और उसका देश पर, आम जीवन पर, आप पर, हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों ये जो मकर संक्रांति जो आ रही है ये हाथी के ऊपर बैठी हुई है और जो इसका उपवाहन है वो है गधा। इसका वार्ड नाम है मंदाकिनी, जिससे ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं नेतागणों के लिए, मंत्रियों के लिए, राजपत्रित अधिकारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। इस मकर संक्रांति का जो नाम है वो है महोदरी। तो इसका नाम महोदरी होने से ये जो चोर उचक्के जमाखोरे जो करते हैं, अनैतिक कार्य जो करते हैं, समाज कंटक जो है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने वाली भी रहेगी। ये संक्रांति चूंकि प्रदोषकालीन रात्रि में होने से, शाम के समय लग रही है तो प्रदोषकालीन रात्रि में होने से यह आतंकवादियों, देशद्रोही, अलगाववादियों के लिए थोड़ी कष्टकारक रहेगी, अर्थात इनके खिलाफ देश की जो सरकारें हैं सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। यह जो संक्रांति है ये पश्चिम दिशा की ओर देख रही है और साथ साथ में वायव्य कोण में देख रही है, अतः इसके प्रभाव से पश्चिम दिशा के जो राष्ट्र एवं हमारे जो पश्चिम दिशा के जो राज्य हैं उनमें सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आंतरिक विद्रोह वहाँ पे हो सकता है, प्राकृतिक प्रकोप वहाँ हो सकता है, विस्फोट दुर्घटना से वहाँ पे जन धन की हानि के योग बनते हैं। ये जो मकर संक्रांति है वो लाल वस्त्र पहने हुए हैं, इसके हाथ में धनुष और एक लोहे का पात्र है और ये दूध पी रही है। इसके शरीर पर गोरोचन का लेप लगा हुआ है, पशु जाति है इसकी और इसके हाथ में बिल पत्र का एक पुष्प है और ये मुकुट पहने हुई है और इसने सफेद रंग की कंचुकी पहनी हुई है और प्रौढ़ अवस्था बूढ़ी अवस्था की लग रही है और बैठी हुई अवस्था में है। यह संक्रांति 15 मुहूर्त में होने से सभी प्रकार के जो अनाज है, मसाले हैं, सोना चांदी है, पेट्रोल डीजल केरोसिन आदि जितने भी तरल पदार्थ है उनके भावों में आने वाले कुछ दिनों में आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी पंडित जी, क्या दान करना शुभ और लाभ देने वाला होगा इस बार? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि
बहुत मुख्य बात है कि आपको क्या दान करना चाहिए। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन जो स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा जो अनुष्ठान आदि का बहुत ज़्यादा महत्व बताएंगे, और पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का फल कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन जो आप दान पुण्य करते हैं उसका फल जो है वो सामान्य से कोटि गुना सफलदायक होता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल का, घी का, शुद्ध देशी घी का और कंबल के दान का विशेष महत्व माना गया है। जो इन चीजों को दान करता है, इन वस्तुओं को दान करता है, निश्चित तौर पर उसका मोक्ष होता है। अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान करने से आपको आपके सभी कष्टों से, आपके सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन गाय को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गौ सेवा करें, तिल मिश्रित जल से, जल में तिल मिला लीजिए, उसके बाद में महादेव जी का, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल तेल जो होता है वो शनि का और गुड़ जो है वो सूर्य का खाद्य पदार्थ है। तिल तेल की जननी है, यही कारण है कि शनि और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जो है तिल और गुड़ के व्यंजनों का सेवन किया जाता है। इसी दिन धार्मिक साहित्य का भी धर्म स्थलों में दान किया जाता है। पुण्य देने वाले, पुण्य प्राप्त करने वाले इस सुअवसर का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि तुम यह सब ना कर सको तो कोई हर्ज नहीं, किंतु हरि नाम का स्मरण तो कर सकते हो, उस रस को तो पी सकते हो, इसलिए उस दिन हरि नाम का स्मरण कीजिए। इस दिन व्यक्ति जो है वो तिलों के साथ साथ अपने अहम का भी दान कर दे, जो उसके अंदर अहम है। हर व्यक्ति के अंदर एक अहम होता है, मैं। यदि हम इस बार मकर संक्रांति पे, इस वर्ष यदि हम तिल का दान कर रहे हैं तो उसके साथ जो हमारा मैं है, जो हमारा अहंकार है, जो हमारा अहम है, यदि हम उसको भी दान कर दें तो निश्चित तौर पे पूरा वर्ष आपका सुखमय बना रहेगा। हमारा अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है हमारा अहम, हमारी मैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन स्वयं को परम पिता परमात्मा को समर्पित कर देने से 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन यदि आप अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण कर दें और उसमें लीन हो जाएं, उसकी आराधना करें, तो ये कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी की जो योनियां हैं, इन योनियों में भटकने से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी हुई हो या सूर्य शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, उन व्यक्तियों को, उन जातकों को मकर संक्रांति का व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य शनि की जो दान की जो वस्तु हैं उनको दान करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों ग्रहों की जो है वो शुभता प्राप्त होती है। इसके अलावा जिस जातक के, जिस व्यक्ति के, हमारे उन दशकों के जिनके संबंध अपने पिता से या अपने पुत्र से मधुर नहीं चल रहे हों, बात बात पे पिता पुत्र के अंदर वैचारिक मतभेद होता हो, कलह कलेश होता हो, तो एक मकर संक्रांति के दिन दान करना, व्रत करना उनके रिश्तों में कड़वाहट को खत्म करता है, शुभ फल प्रदान करता है। भगवान सूर्य के बिना इस जगत में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने और भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करने से आपको पिता का सुख प्राप्त होता है और निश्चित तौर पे आपके भाग्य में वृद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य जो भगवान है वो प्रत्यक्ष में दिखते हुए दिखता है। आइए साथ साथ में आज मैं आपको एक विशेष बात और बताता हूँ। सूर्य पूजा जब आप करते हैं तो कुछ विशेष पुष्प उसके अंदर काम में लेने चाहिए। बड़ी अच्छी ज्ञान की बात है। शास्त्रीय सिद्धांत और तंत्र विद्या अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने के साथ भगवान सूर्य को दिए जाने वाले अर्ध में इन पुष्पों को मिला दीजिए, उस डाल दीजिए, उसके बाद में भगवान सूर्य की पूजा करिए, अर्ध प्रदान करिए। निश्चित तौर पे पूरे वर्ष भर भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। दर्शकों, ये तो हमने बात की दान पुण्य की, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जानेंगे कि सूर्य आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, तो आप कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। सूर्य का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा वो जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि क्या विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है ध्यान करते हुए समय, दान करते हुए समय। बिल्कुल मित्रों, मकर संक्रांति के दिन जो है सभी दान करते हैं, लेकिन इस दान के पीछे जुड़ी भावना जो है वो सभी की अलग अलग होती है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आपको दान, सभी की जो भावनाएं हैं वो एक समान नहीं होती। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य है, धर्म कार्य है, वो तभी फल देता है जब पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। इसके साथ ही सबसे अधिक जरूरी होता है, जो भी कोई भी काम अपन कहते हैं ना कि आप श्रद्धा से करें, तो आइए जानते हैं कि किन 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 भावनाओं का आपके अंदर होना जरूरी है। दान करते समय, धर्म कार्य को करते समय निस्वार्थ भावना का होना। यदि आप निस्वार्थ भावना, जब भी आप दान कर रहे हैं तो आप दान करते समय या धर्म कार्य करते समय, हे भगवान मेरे को धन देना, हे भगवान मेरे को संतान देना, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना, इस भावना से कभी भी भगवान की पूजा नहीं करें। जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा करते समय उसके और आपके बीच में किसी भी तरह की कोई स्वार्थी भावना नहीं होनी चाहिए। एक निस्वार्थ भावना से भगवान को याद करिए, उसकी पूजा करिए, उसमें रम जाइए। आप इस विचार से दान करते हैं कि कोई आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी या फिर उसने इस दिन दान नहीं किया तो उसका अहित होगा, इस भावना से दान करना दान ना होकर कोई व्यापारी सौदा करने जैसा है। दान कभी भी इस विचार से ना करें कि एक दान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण माना गया, आपने मतलब इंसान, हमारी प्रवृत्ति भी है कि अगर हम कुछ दान कर रहे हैं तो पहले तो 10 लोगों को बताएंगे कि आज मैं वो काम करके आया था, तो वो दान व्यर्थ का हो जाता है। और उसके अलावा दान करते समय हम सिर्फ यही प्रार्थना करें कि हे भगवान अगर हमारे ये काम पूरे कर देना, हमारे वो काम पूरे कर देना, तो वो दान लगता नहीं। दान करने के बाद दान पर किए गए खर्चे को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने से दान के जो पुण्य फल हैं उसमें कमी होती है। इसलिए जितनी सहजता से दान कर सकते हैं केवल उतना दान करें। उधार के पैसे लेकर या किसी के दबाव में आकर अधिक दान कभी नहीं करना। आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपने उधार ले लिया और फिर दान किया तो वो दान नहीं लगता है। आपके 100 रुपये दान करने की श्रद्धा है तो आप 100 ही करिए, 1000 मत करिए। जितना आप मन से करें, दान करने के बाद आप पैसों के चिंतन में बैठे रहें तो फिर उस दान का क्या होगा, उस पुण्य का क्या होगा। मित्रों ये तो एक बैंक बैलेंस है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आपको इस जीवन में मनुष्य योनि मिली, वो एक बैंक बैलेंस। और इस जीवन में मनुष्य योनि मिली, अब आपके घर के अंदर टीवी है, आपके सुख साधनों की कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला पत्नी पति हर तरह का सुख है, पिक्चर देखते हैं, घूमने जाते हैं। ये क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले जन्म के अंदर कुछ अच्छे कर्म किए थे जो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए, वही मिलते जा रहे हैं आपको, वही निकाल रहे हैं। पर इस जन्म में भी कुछ अच्छे कर्म करिए ताकि अगले जन्म के लिए भी बैंक अकाउंट वापस आप तैयार कर सकें। वो कैसे हो? वो इस दान से, वो पुण्य कर्म से, तभी आपका बैंक अकाउंट भरेगा और समय पड़ने पे वो काम आएगा। कलयुग है, ये कहा जाता है कि इस जन्म के कर्म इसी जन्म में भुगतने। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके विकट समय में मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती, तब डॉक्टर भी कह देता है कि एक बार तब दुआ का सहारा है, भगवान का सहारा है, तो भगवान भी आपकी तब मदद करता है जब आप उसको याद करते हैं। संकट में नहीं, कभी सुख में भी याद करें। तो दान के पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दान करने पर जो भी व्यय किया जा रहा हो वो एक तो मेहनत का होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई का होना चाहिए। गलत तरीके से कमाए गए धन से वस्तु दान करना शुभ न होकर अशुभ फल प्रदान देता है। मित्रों मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में तीर्थ स्थान की विशेष महिमा बताई गई। यह माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इस दिन जल में देवताओं और तीर्थों का वास होता है, अतः वहां स्नान करना
तीर्थों में स्नान करना पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। और यदि आपके लिए संभव न हो तो आप गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर न जा सकें तो घर में ही स्नान के लिए जो जल हो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़े से तिल मिला लीजिए और स्नान करते हुए ओम रिम गंगाए ओम रिम स्वाहा। सुनिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा मंत्र, मैं आपको बताता हूँ। ओम रिम गंगाए ओम रिम स्वाहा, इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए उस जल से स्नान करना है, तिल मिश्रित जल से। तो इस प्रकार आप जब स्नान करते हैं तो तीर्थ स्नान के समान आपको पुण्य प्राप्त होता है। आइए दर्शकों, आखिर में जान लेते हैं मकर संक्रांति 2015 का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अनिल जी, जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि पे इस बार मकर संक्रांति का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति कैसी रहेगी। तो हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति विशेष सम्मान बढ़ाने वाली आ रही है। कहीं आपका चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आपका नाम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सन 2015 का जो शुरुआत का जो पहला पर्व है वो निश्चित तौर पे आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जो इस बार की महोदरी मकर संक्रांति है वो थोड़ी सा तनाव जैसी स्थिति को बनाती हुई दिख रही है। ध्यान रखिएगा, सन 2015 के शुरुआती जो पर्व है वो संकेत दे रहा है कि अगले कुछ समय में आपको मानसिक तनाव रह सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए इस बार की जो मकर संक्रांति है वो निश्चित तौर पर बड़ा ही शुभ फल प्रदान कर रही है। हमारे वो दर्शक जो कि पिछले कुछ समय से धन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनको लगता है कि माँ लक्ष्मी उनके साथ नहीं खड़ी, तो निश्चित तौर पर धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापारी जो हमारे विशेष तौर पर दर्शक है कि हानि हो सकती है, काम में सावधानी रखिएगा। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पिछले कुछ दिनों से यदि ये चला आ रहा है कि उनको कोई फ्लैट भूमि भवन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये मकर संक्रांति संकेत दे रही है कि सिंह राशि वालों के लिए इस बार भूमि का लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद का लाभ हो सकता है, यानी शुभ संकेत है। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति ही शुभ संकेत दे रही है। ये कह रही है कि इस वर्ष आपको मकर संक्रांति जो शुरुआत में है वो समृद्धि देती हुई दिख रही है, सुख शांति समृद्धि का आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आर्थिक लाभ होगा निश्चित तौर पर। मकर संक्रांति का संकेत ये है कि आपको अगले कुछ समय में आर्थिक लाभ। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आपकी मकर संक्रांति ये संकेत दे रही है कि इस बार चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं जो हैं चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति का संकेत ये कहता है कि निश्चित तौर पर अगले कुछ समय में आपको सुख मिलेगा और आपके मंगल कार्य आपके घर में हो सकते हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति का संकेत है कि आप धन के अंदर लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रॉफिट अर्जन आपको होने वाला है। तो सन 2015 की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मकर संक्रांति का संकेत है कि यदि वो नौकरी पेशा हमारे दर्शक हैं तो आने वाले कुछ समय में उनको पदोन्नति मिल सकती है, नौकरी क्षेत्र में विशेष रूप से उनको लाभ मिल सकता है, नया रोजगार उनको मिल सकता है। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा सावधानी से अगले कुछ महीने निकालने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट का अनुभव उनको हो सकता है, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, साथ ही में आपने आज बहुत कुछ जाना होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मकर संक्रांति का पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शेरी आपके जीवन के अंदर मंगल
आशीर्वाद बनाए रखे। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से शुक्रवार, और साथ ही में मेल कर सकते हैं goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।